उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मोदी योगी रसोई चलाई जा रही है। रसोई से गरीब जनता तक राशन पहुंचाया जा रहा है। विधायक के यहां मोदी योगी रसोई चल रही है। विधानसभा में 3 जगह मोदी योगी रसोई चलाई जा रही है, जिससे गरीब जनता तक खाना पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा राशन के पैकेट बनाकर भी गरीब जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए बीजेपी के स्थापना दिवस पर बीजेपी विधायक राजीव तरारा ने खुद सिलाई मशीन पर बैठकर लोगों के लिए मास्क भी बनाए और विधायक समय मिलते ही मास्क बनाते हैं और जनता और लोग जो कि जनता की सुरक्षा में लगे हैं, डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सब्जी वाले, सफाई कर्मचारी और मीडिया कर्मियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मंडी धनोरा से बीजेपी विधायक राजीव तरारा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, जिसमें विधायक ने लोगों से घर में रहने की अपील की और जो समाज सेवी लोग इस महामारी में जनता का सहयोग कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद किया। आपको बता दें कि अमरोहा की विधानसभा मंडी धनोरा विधायक राजीव तरारा जनता का सहयोग करते नजर आ रहे हैं। विधायक राजीव तरारा ने अपनी विधायक निधि से 1,10,00,000 रुपए कोरोना महामारी से लड़ने के लिए देने की बात भी कही है। विधायक ग्रामीण क्षेत्रों में भी सहयोग करते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन के होने के बाद विधायक ने विधानसभा में आने वाले राशन डीलरों की मीटिंग की, जिसमें राशन डीलरों से अपील करते हुए विधायक नजर आ रहे हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि मैंने किसी डीलर को परेशान नहीं किया है, जो गड़बड़ी करते थे उनके ही खिलाफ कार्यवाही की गई है। आपसे हाथ जोड़कर मेरी अपील है कि इस कोरोना महामारी के इस संकट में गाँव का कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो और कोई शिकायत नहीं मिले। वहीं आपको बता दें कि विधायक जनता का मेहनत और खुद घर घर जाकर जनता का सहयोग कर रहे हैं। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। मैंने विधायक बनने के बाद किसी भी राशन डीलर को परेशान नहीं किया कि तुम नहीं। मैंने जहां भी कहा है वो यही कहा है कि भाई गरीबों को राशन का वितरण ठीक से होना चाहिए। जिसकी ज्यादा शिकायतें आई है उसी के खिलाफ मैंने कोई कहा दिया कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, जो राशन डीलर ठीक से काम कर रहे हैं। मैंने कहीं भी अपने 3 वर्ष के शासन काल में उसको परेशान नहीं किया है, कहीं कोई किसी तरह की उससे मांग नहीं की है, कहीं पर भी मैंने उसको सताया नहीं है। संकट की घड़ी में मैं आप लोगों से अपील करने के लिए स्पेशली आया हूं आज कि बिना मन मुटाव के, बिना किसी भेदभाव के बहुत साफ मन से राशन का वितरण करना है। जो शासन सरकार के निर्देश हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश को और प्रदेश को लेकर के चिंतित हैं, हमारी और आपकी जान को बचाने के लिए वो लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूं कि जो सेवा के अवसर है, ये महामारी आज बहुत संकट काल है, सारे मन के अंदर जितने मन भेद हों सब बाहर निकालते हैं, चाहे वो आपके ग्रुप से हो नहीं हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति बिरादरी धर्म का क्यों ना हो, आपका लगाव रहा हुआ है नहीं रहा हो, लेकिन अगर कोई ऐसा है व्यक्ति है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, उसके कागज लेकर के उसको अति शीघ्र भरवा कर 1-2 दिन के अंदर पहुंचवा दें। 1 तारीख से 15 तारीख तक राशन का वितरण होना है। जैसा एआर साहब ने बताया कि निशुल्क होना, उसका पैसा शासन द्वारा दिया जाएगा, जो जो जिस जिस श्रेणी में वो सारी चीजें बता चुके हैं। बस मैं आप लोगों से यही अपील करने के लिए आया हूं और कर रहा हूं बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी, बाकी माध्यमों से भी, कि इस संकट काल में आप लोग बहुत पहले से डीलर होंगे, लेकिन संकट काल में अपने मन से सारी चीजें निकालकर जितना जिसका बनता है पूरी ईमानदारी से करते चले जाओ और इसका कहीं ना कहीं आप लोगों को ईश्वर लाभ देगा, ईश्वर अपना आशीर्वाद बना कर रखेगा। नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि में मां दुर्गा हम सभी पर कृपा बना करके रखेंगी। तो मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि गांव का कोई भी व्यक्ति, शहरों में सेवा करने के लिए बहुत सारे माध्यम होते हैं, लेकिन गाँवों में राशन डीलर है या गाँव के प्रधान है, आप, मैंने भी कहा है, आप लोग भी अपने कहिए, रिक्वेस्ट करिए, निवेदन करिए गाँव के प्रधानों से कि भाई गाँव में उनको सैनिटाइज कराए, वहां पर जो दवाइयों का वो छिड़काव करें, और आप लोग अपने स्तर से जो भी अच्छा काम कर सकते हैं, कोई दिव्यांग होंगे, कहीं पर हमारी विधवाएं माता होंगी, कहीं हमारे ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग होंगे जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं, भले ही आप लोगों को अपने घर पर बनाना पड़े 2-4 लोगों को खाना,
बाकी काम तो कर ही रहे हैं, दो दो चार चार लोगों का, तो छह लोगों का बन रहा है तो दो का और बनवाओ, उनको खाना बनवा करके खुद पहुंचवा दो, और जो बना अपने घर पर बना रहे हैं उन तक ये राशन पूरी ईमानदारी के साथ पहुंच जाए। जिस तरह से मेरा साफ सहयोग 3 वर्ष में मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। कोई मैं यहाँ किसी तरह की राजनीति करने के लिए नहीं, आज इस संकट की घड़ी में आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ, और बाकी जो आपके साथी हैं, यारो साहब ने बाकी की भी मीटिंग ली है, उन तक मेरी अपील पहुंचाई है, आप लोग उन तक भी हमारा मैसेज जरूर पहुंचा दें कि वो प्रत्येक गांव में पारदर्शिता के साथ राशन का वितरण करें। बाकी एक पर नोडल अधिकारी लगाए गए हैं, नोडल कोई ना कोई जिम्मेदारी दी गई है, वो गांव में हम लोगों के लिए, मैं भी ये कोशिश करूंगा कि घूम करके उसकी रिपोर्टिंग लें, कहीं भी किसी भी गांव से ये शिकायत ना आए कि राशन नहीं मिला है या खान पान में कहीं पर परेशानी आ रही है। इसलिए भाइयों, आप शासन द्वारा जो राशन दिया गया उसका वितरण पूरी ईमानदारी से करा दें, अच्छे से करा दें, ये बहुत पुण्य का काम है, ये संकट की घड़ी का समय है, इस संकट से हम और आप सब मिलकर ही पार पा सकते हैं, कोई एक व्यक्ति इस जन को नहीं जीत सकता है, और आपको ये जिम्मेदारी मिली, राशन डीलर के रूप में सेवा करने का जो अवसर मिला है, और इस पूरी तरह से पूरी अच्छे तरीके से निभाने का यही अवसर है कि इस अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें, और पूरे गांव के अंदर घूमकर अपनी बचाव भी रखना है, मास्क लगाना है या और कोई दूरी और कुछ नहीं है तो रुमाल बांध लें, बार बार अपने हाथों को धुले, सावधानी है, जीवन अपना भी बचाना, अपने परिवार का भी बचाना, अपने गांव को बचाना, और जो ऐसा है लोग उन तक मदद भी पहुंचानी है, और जो सरकार द्वारा राशन दिया गया है इस तक ठीक से वितरण भी करना है। मैं उसी तरह से आपका सहयोग करता रहूंगा, क्योंकि पहले किराया तक नहीं मिलता था यहाँ राशन डीलरों को, वो भी मैंने दिलवाने का काम किया, परेशानी तो छोड़ो आप लोगों की मदद ही की है जिस स्तर पर मुझसे बनी है, आगे भी करूंगा, ध्यान दिया, लेकिन इस बार गांवों से मैसेज जरूर जाना चाहिए पूरी धनोरा विधानसभा के अंदर से कि धनोरा विधानसभा के राशन डीलर हमारे बहुत अच्छे हैं, और वो पूरे ईमानदारी से उन्होंने राशन का वितरण किया। आप सभी का बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कोरोना महामारी को लेकर जहां समाज सेवी और विधायक नेता मंत्रीगण जो है सभी जो है लोगों की समाज सेवा में लगे हुए हैं और लोगों से अपील भी करते नजर आ रहे हैं कि वो घरों से बाहर ना निकलें, इसी को लेकर के हम आज विधायक राजीव तरारा जो मंडी धनौरा से विधायक हैं उनसे बात करते हैं कि जो मोदी योगी रसोई चला रहे हैं और क्या जनता की समाज सेवा कर रहे हैं। जी देखिए विधायक जी, जो आप जो समाज सेवा जनता की कर रहे हैं तो किस तरह से समाज सेवा की जा रही है? सर, पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आग्रह किया सभी देशवासियों से, और उनके उस अपील को मानते हुए सभी ने साथ दिया है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बड़े प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, और उनका पूरी जनता साथ दे रही है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पूरी टीम जो उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार है उसका रोकने के लिए लगी हुई है, और हमारा भी अपनी ड्यूटी बनती है। 25 तारीख से पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, हमारे विधानसभा जनपद प्रदेश सभी में लॉकडाउन चल रहा है, तो इसके लिए जो जरूरतमंद लोग हैं जो अपना भोजन हाथ से नहीं बना सकते, कई बार दिव्यांग हैं, वृद्ध इस तरह के जन हैं, या ठेला रेडी खोमची चलाने वाले हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अपना भोजन या ड्यूटी पर कार्य मतलब काम जो करने वाले लोग हैं वो घर नहीं जा पा रहे, उन्हें समय से भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो उन सब के लिए हमने एक व्यवस्था की अपने इस आवास पर मोदी योगी रसोई शुरू कराई, और ये 25 तारीख से लगातार काम कर रही है। तो इसमें भोजन के पैकेट बनवा करके हम वितरण कराते हैं, और साथ ही दोपहर बाद यहाँ से चाय बन के जाती है, जो ऑन ड्यूटी है सफाई कर्मी है पुलिस कर्मी है डॉक्टर है नर्स है या अन्य जो भी रास्ते में मिलते हैं उन सबको चाय की व्यवस्था हमने करा रखी है। उसी तरह से बछायू में एक मोदी योगी रसोई शुरू करा रखी है, साथ ही धनौरा में मोदी योगी रसोई हमारी चल रही है, वो भी भोजन का वितरण कर रही है, और साथ में जो सूखे पैकेट हैं राशन के, वो चाहे आटा चावल दाल और सब्जियां साथ में मसाले ये सब उसमें रख करके पैकेट के अंदर एक किट बनाई गई है मोदी योगी किट, उसका वितरण कराया जा रहा है जरूरतमंदों के लिए। राशन की व्यवस्था बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर की, क्योंकि सभी को कहा है कि भाई संकट काल में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, यदि करोगे तो बचोगे नहीं, तो ऐसा हमारा एक प्रयास है कि जो सरकार की मंशा है इस महामारी से लड़ने के लिए उसमें सभी को साथ देना है। और हमने पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर अपने हाथ से मास्क बना करके बनाना शुरू किया 6 तारीख को, 6 अप्रैल को,
और वो मास्क को बना करके हम वितरित भी करा रहे हैं, और बड़ी संख्या में हमने चाहे वो हमारे सीएससी के डॉक्टर हैं या जो थानाध्यक्ष है, चौकी इंचार्ज है, पुलिस कर्मी है, जो भी हमें मिला हमने उनको उपलब्ध कराए और आगे उसको और बनवाया जा रहा है। मतलब जिस भी स्तर से हमसे सहयोग बन पड़ रहा है वो अपना महामारी में लड़ने में अपना छोटा सा सहयोग कर रहे हैं, और मैं समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनका बड़ा योगदान है। वो राशन के पैकेट बनवा करके, भोजन बना करके जो वितरित करा रहे हैं बिना किसी सहायता के अपने पास से, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और उन सभी के सहयोग के कारण हम इस कोरोना जैसी महामारी से जीतेंगे, क्योंकि इस देश की जो बागडोर है, इस प्रदेश की जो बागडोर है, वो बहुत ही ईमानदार, नेक और सबको अपना मानते हुए जो काम कर रहे हैं उनकी मैं प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं कि देश हमारा एकदम सक्षम हाथों में है और सुरक्षित हाथों में है। उत्तर प्रदेश हमारा सक्षम और सुरक्षित हाथों में है, तो इस तरह से हम कोरोना जैसी महामारी को मात देंगे। और समाज सेवियों का बहुत धन्यवाद करता हूं जो समाज सेवी इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन ये थे हमारे साथ विधायक मंडी धनोड़ा, जिन्होंने जो है राशन डीलरों को भी काफी सख्त हिदायत दी है कि अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो उनको उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से मोहम्मद आसिफ, हिंदी खबर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.